खुशी हो रही है कि जो डॉक्टर उदय तामणकर का इतने सालों का सपना था कि वो एक ऐसी बुक लिखे जिससे जो पेशेंट्स उनके पास नहीं पहुंच पाते लेकिन उनके नॉलेज की, उनके एक्सपर्टीज़ की उनको ज़रूरत होती है, उन तक वो खुद पहुंच सके, तो वो सपना इस बुक के ज़रिए से आज साकार हुआ है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज ये बुक 3 लैंग्वेजेस में लॉन्च हुई है। आपको तो पता ही होगा हमारी मराठी बुक जो लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी उसके ऑलरेडी 1000 कॉपीज़ बिक चुके हैं। उसके बाद में हमसे रिक्वेस्ट की गई, डॉक्टर के पास रोज़ लोग आते थे ये बोलने कि प्लीज़ सर हमारे लैंग्वेज में, ताकि हमारे पेरेंट्स भी इसे समझ सकें और ऐसी लैंग्वेज जो हमारे दिल के करीब हो। प्लस हमारे बहुत सारे NRI पेशेंट्स जो अभी ये लिपियाँ पढ़ना भूल गए हैं तो उनके लिए इंग्लिश, तो आज तीनों लैंग्वेजेस में ये बुक रिलीज़ हो रही है, तो ये हमारा सबसे बड़ा सपना आज साकार हुआ है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, बुक लॉन्च है आज 3 लैंग्वेज में। पहला जो बुक आया था वो मराठी में आया था, जैसे हमारे सब पेशेंट जो वेटिंग रूम में बैठे थे वो बोलते थे कि सर हमको ये तो समझ में नहीं आता है, हमको इंग्लिश चाहिए, गुजराती चाहिए, इसीलिए हम लोग ने सोचा कि उनके लिए ही बुक लिखे। अच्छा, इंग्लिश इसीलिए लिखा क्योंकि इंग्लिश अभी राष्ट्रीय लैंग्वेज हो गई है, सबको आता है, तो इंग्लिश करना बहुत ज़रूरी था। बहुत NRI पेशेंट्स हमारे आते हैं उनको समझने के लिए, और बम्बई में आपको मालूम है सबसे ज़्यादा लोग गुजराती रहते हैं, उनके ऊपर होटल चलते हैं, उनके ऊपर हर बिजनेस चलते हैं, तो गुजराती में होना तो बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हम लोग ने ये तीनों लैंग्वेज में, मराठी का ये 2nd एडिशन है और इंग्लिश और गुजराती का 1st एडिशन है। आने वाले दिनों में जैसा कि मैडम ने बताया कि NRI पेशेंट यहाँ ज़्यादा आते हैं तो हिंदी भूल गई है, इंग्लिश ज़्यादा, और आने वाले दिनों में कौन कौन सी लैंग्वेज में बुक लॉन्च करेंगे आप लोग, एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में, और क्या क्या फैसिलिटी भी मिलने वाली है आपके कस्टमर्स? आने वाले जो दिन है उसमें पहला तो हिंदी में करना है क्योंकि वो तो अपनी राष्ट्रीय भाषा है, और उसके बाद में मेनली हमको अमेजोन पे जाना है, ई बुक करना है, ऑडियो बुक करना है, क्योंकि वैसे सब लोग की डिमांड है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग बुक पढ़ते नहीं है लेकिन बिजी रहते हैं, कार चलाते वक्त तो उनको ऑडियो बुक चाहिए, तो ये सब लोग हमारे पास पीछे बोल रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो वो करने का अभी हमारा प्लानिंग है। और मेनली ई बुक जिसे बोलते हैं, क्योंकि आजकल लोग ऐसा पेपर बैग तो कैरी नहीं कर पाते, उनके पास किंडल होती है या फ़ोन पे अवेलेबल हो तो वो कहीं भी दुनिया में बैठ के ये बुक पढ़ सकते हैं, तो वो चीज़ अब हमारा नेक्स्ट प्रयास होगा कि हम वो जल्द से जल्द करें। सर पूरे बोरी से लेके दहीसर मीरा रोड तक, भाइंदर तक एंड यहाँ अंधेरी तक मैंने इस डेंटल का क्लिनिक का बहुत ही नाम है, तो क्या कुछ और फैसिलिटीज आप लोग करने वाले हैं जिससे पूरे, मैं चाहूँगा कि पूरे मुंबई में नाम हो जाए आप लोगों का इस तरीके से? देखिए कैसे होता है ना कि नॉर्मली डेंटल क्लिनिक छोटा होता है, उनके पास बड़े बड़े मशीन्स, बड़े बड़े ये चीज़ लाना बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो महंगी होती है, तो हमारे क्लिनिक में हम लोग ने ये फोकस किया है कि जो नई टेक्नोलॉजी है वो क्लिनिक में आनी चाहिए, तो नए टेक्नोलॉजी के ही पीछे मैं रहता हूँ, और नई टेक्नोलॉजी लोगों को ऐसे लगता है कि वो महंगी होगी लेकिन उल्टा होता है, जैसे टेक्नोलॉजी आती है पेशेंट के फ़ायदे बहुत होते हैं टेक्नोलॉजी से, और उनको ट्रीटमेंट अच्छी मिलती है, और वो कम पैसे में देने के लिए हमेशा मेरी कोशिश रहती है। जैसे आपको पता है, जैसे सर ने कहा टेक्नोलॉजी, तो पता नहीं आप शायद जानते नहीं होंगे पर हमारे पास आज की तारीख में भी 25 ऑफ द वर्ल्ड्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। और एक सर की खासियत है कि कहीं भी वो अब्रॉड जाते हैं तो वहाँ के डेंटल क्लिनिक्स को विज़िट करते हैं, वहाँ बेस्ट क्या है वो देखते हैं और फिर वो इंडिया में लेके आते हैं ताकि हमारे लोगों का उसका फ़ायदा हो, तो यही हमारा प्रयास रहता है। तो लेटेस्ट अभी जो डिजिटल दौर जो चला है उसके तहत हम लोग ये टेक्नोलॉजी भी डेंटिस्ट्री में लाने वाले हैं जिससे बहुत ज़्यादा पेशेंट का फ़ायदा होने वाला है। सर नेक्स्ट क्या टेक्नोलॉजी आप लाने वाले हैं जो आपको बहुत ही पसंद आई है वेस्ट में बाहर जाके, एंड वो आपके यहाँ पर लाने वाले हैं? अभी जैसे नी सर्जरी रोबोटिक्स होती है वैसे दांत के भी इम्प्लांट का भी रोबोटिक्स US में चालू हो गया है, तो वहाँ भी अभी नया है, अभी तक मैं वहाँ इसीलिए मेरा स्टडी चालू है उसके बारे में, लेकिन जैसे भी ये रोबोटिक्स इम्प्लांट रोबोटिक्स इंडिया में आ जाएगा, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो बॉम्बे में लोग रहते हैं उनको ये अवेलेबल हो, मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए आपको मालूम है बॉम्बे के सब लोग अमेरिका जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, तो उनको वो नहीं होना चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं
कि स्वदेशी में होना चाहिए, वैसे वहाँ के लोग जो मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं वो करने के लिए इंडिया में आना चाहिए, तो पैसा इंडिया के पास भी रहेगा और हमारे देश का नाम भी उन्नत हो जाएगा, ये हम लोग सोच रहे हैं। मैडम लास्टली अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को जो सिर्फ यहीं पर आए आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों से अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, उनके लिए और भी कस्टमर आए उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्टली? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप, बहुत लोगों को डेंटिस्ट्री का बहुत ज़्यादा डर रहता है, और सेकेंडली जैसे सर ने कहा, जब कुछ लोग हमारे क्लिनिक को वेबसाइट पे या इस पे देखते हैं तो उनको लगता है कहीं ये क्लिनिक बहुत ज़्यादा हाईफाई और एक्सपेंसिव तो नहीं, तो ये दोनों चीज़ों को आप कम्प्लीटली भूल जाइए, क्योंकि जब आप सेरामको में आएंगे तो फर्स्ट चीज़ हम आपको प्रॉमिस करते हैं वो है पेनलेस ट्रीटमेंट, बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट, और आपको कभी नहीं लगेगा कि आप एक क्लिनिक में या हॉस्पिटल में आ रहे हैं, आपको ऐसे ही लगेगा कि हम किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन के पास आ रहे हैं हमारा ट्रीटमेंट करने के लिए। और प्राइसेस हमने एकदम इंडिया के हिसाब से रखे हैं, इवन हमारे NRIs के और पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए हमारे सेम रेट्स हैं, तो आप बिल्कुल अपनी सारी चिंता भूल के यहाँ कभी भी आ सकते हैं। इवन फॉर सेकेंड ओपिनियंस यू आर ऑलवेज वेलकम, बहुत सारे लोग आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से डॉक्टर तामनकर के ओपिनियन के लिए भी, तो ऑल आर वेरी मच वेलकम एंड यू कैन ट्रस्ट अस एंड ट्रस्ट सेरामको। थैंक यू।